हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास के सिविक्स की शुरुआत करेंगे, सिविक्स की पढ़ाई के चैप्टर 1 से। और ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम लोग लास्ट चैप्टर तक पहुंचेंगे। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सत्ता की साझेदारी। क्या है? सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग, पावर की शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। इसके लिए हम एक कहानी लेकर के आए हैं बेल्जियम के, और वहीं से हम लोग इस पाठ की शुरुआत करेंगे। आपको मालूम है दुनिया में 7 महादेश हैं। कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। उसमें से एक महादेश यूरोप। इसी यूरोप महादेश में एक छोटा सा देश है बेल्जियम। बेहद एक छोटा सा देश है बेल्जियम। यह देश इतना छोटा है कि हमारे देश के एक राज्य हरियाणा से भी यह छोटा है। हमारे देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनमें से एक राज्य हरियाणा, उस एक राज्य हरियाणा से भी छोटा है क्षेत्रफल में यह बेल्जियम। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह देश कितना छोटा है। क्षेत्रफल का बात, अगर हम आबादी की बात करें तो हमारे हरियाणा राज्य की जितनी आबादी है उसकी आधी आबादी के बराबर इस बेल्जियम की आबादी है। हरियाणा की आबादी के आधे के बराबर आबादी बेल्जियम की है। यानी कि आबादी के मामले में यह बहुत बहुत छोटा है और क्षेत्रफल के मामले में भी बहुत बहुत छोटा है। इस बेल्जियम की जो सीमाएं हैं, उसके जो बाउंड्रीज हैं, उसके जो बॉर्डर्स हैं, वो यूरोप के ही इन देशों से टच करती हैं। यानी कि इन देशों के बीच बेल्जियम है। इन देशों के बीच चारों तरफ से देश हैं और उनके बीच में यह बेल्जियम है। ये सारे देश भी यूरोप के ही हैं, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्जमबर्ग। ये तो बात हो गई कि बेल्जियम कितना बड़ा देश है और दुनिया के नक्शे में वो कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, उसका सिचुएशन, लोकेशन क्या है, उसकी चर्चा हमने यहाँ पर की। अब जरा उसके बारे में डिटेल देखें बेल्जियम के बारे में। यहाँ पर तो बेल्जियम 2 राज्यों में बंटा हुआ है। जहाँ हमारे देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, वहीं इस बेल्जियम में ओनली 2 स्टेट्स, सिर्फ 2 राज्य हैं। एक है फ्लेमिश और दूसरा है वेलोनिया। 2 क्षेत्र हैं, एक फ्लेमिश क्षेत्र और दूसरा वेलोनिया क्षेत्र। जिस तरह से हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है, उसी तरह बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। और राज्य कितने हैं? सिर्फ 2, एक फ्लेमिश और दूसरा वेलोनिया, और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। अब इस बेल्जियम देश में 3 तरह के भाषा बोलने वाले लोग हैं। हमारे देश में तो सैकड़ों भाषाएं हैं
और सैकड़ों बोलियां बोली जाती हैं, सैकड़ों भाषाएं और सैकड़ों बोलियां बोलने वाले लोग हमारे देश में निवास करते हैं। बट यहां पर बेल्जियम में सिर्फ तीन भाषा बोलने वाले लोग हैं, एक है फ्रेंच, दूसरे है डच और तीसरे हैं जर्मन भाषा बोलने वाले लोग। फ्रेंच, डच एंड जर्मन भाषा बोलने वाले लोग बेल्जियम में रहते हैं। बेल्जियम की कुल आबादी का जो 59% लोग हैं, 59% जो लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं। 40% वहां की जो आबादी है, 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। बच गए 1% लोग, वो जर्मन भाषा बोलते हैं। 59% लोग डच भाषा बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। इस तरह से बेल्जियम में अल्पसंख्यक हो गए फ्रेंच भाषी लोग और बहुसंख्यक हो गए डच भाषी लोग, और अति अल्पसंख्यक हो गए जर्मन भाषी लोग। तो खैर, जर्मन भाषी लोग की बात यहाँ हम ना करके सिर्फ इन दोनों की बात करेंगे, अल्पसंख्यक में फ्रेंच भाषी और बहुसंख्यक में डच भाषी की। हमें कि जो फ्लेमिश रीजियन है, ये जो राज्य है फ्लेमिश रीजियन में, ये 59% आबादी जो डच बोलने वाली है वो रहती है, और वेलोनिया रीजियन में ये जो 40% फ्रेंच बोलने वाली आबादी है वो रहती है, बाकी 1% जो जर्मन भाषा बोलने वाली आबादी है उसमें से कुछ लोग फ्लेमिश रीजन में भी हैं और कुछ लोग वेलोनिया रीजन में भी हैं। ऐसे आबादी का बंटवारा है। अब बात करते हम लोग राजधानी ब्रुसेल्स के। राजधानी ब्रुसेल्स में जितने भी लोग रहते हैं, जितनी भी वहाँ की आबादी है, राजधानी ब्रुसेल्स की कुल आबादी का 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में जितनी भी आबादी रहती है उसकी कुल आबादी का 80% लोग फ्रेंच भाषा और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। यहाँ पर अगर राजधानी की बात करें तो ये फ्रेंच भाषी लोग हो गए बहुसंख्यक और डच भाषी लोग हो गए अल्पसंख्यक। यानी कि पूरे देश में जो लोग अल्पसंख्यक हैं वही लोग राजधानी में आकर के बहुसंख्यक हैं, और पूरे बेल्जियम देश में जो लोग बहुसंख्यक हैं वही लोग राजधानी में अल्पसंख्यक हैं। ये हो गया भाषा के अनुसार आबादी का वितरण बंटवारा। अब देखते हैं पूरे देश में जो अल्पसंख्यक लोग हैं फ्रेंच भाषी लोग वही लोग समृद्ध हैं, धनी हैं, संपन्न हैं, ताकतवर हैं और सरकार में बहुमत में हैं। आज की बात नहीं है, हैं शब्द लगा रही हूं, मत समझिए कि आज मैं 2020 की बात कर रहा हूं, नहीं। ये जिस वक्त की मैं घटना सुना रहा हूं 1990 से पहले की, उस समय के अनुसार मैं बता रहा हूं, 1990 से बिफोर की बात मैं कह रहा हूं कि जो फ्रेंच भाषी लोग थे यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग थे वही लोग समृद्ध थे, धनी थे, संपन्न थे, हर तरीके से ताकतवर थे और सरकार में बहुमत में थे, यानी कि सरकार में उनकी ही दावेदारी अधिक थी। एक तरीके से वही लोग पूरे देश पर राज कर रहे थे। जो बहुसंख्यक थे डच भाषी लोग वो गरीब थे, कमजोर थे और सरकार में अल्पमत में थे, यानी कि सरकार में उनका कहीं कोई इम्पोर्टेंस, कोई वैल्यू, कोई महत्व नहीं था इनके,
डच भाषी लोगों के। जाहिर से बात है, जब सरकार में दबदबा फ्रेंच भाषी लोगों का था तो उन्होंने हर तरीके से जो भी डेवलपमेंटल वर्क किया, जो भी बेनिफिशियल वर्क किया, वो सब कुछ डच फ्रेंच भाषी लोगों को ध्यान में रख करके उन पर फोकस करते हुए इन्होंने काम किया, और डच भाषी लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे होगा, उनके हितों की रक्षा कैसी होगी, इस पर उन्होंने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। यानी कि सरकार हमेशा एक तरफा काम करती रही, जबकि सरकार में तो शामिल थोड़े ही सही संख्या में लेकिन डच भाषी लोग भी थे, और पूरे देश में वो बहुसंख्यक में थे। यानी कि देश की जो सबसे बड़ी आबादी का हिस्सा है उसी को यहाँ पर अनदेखा कर दिया गया। यानी कि उनको सत्ता में साझेदारी नहीं मिली, बराबरी की पावर शेयरिंग नहीं मिली, और यही धीरे 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 चल करके सत्ता में साझेदारी नहीं मिलना, पावर शेयरिंग नहीं मिलना, यही धीरे धीरे चल करके उनके दिल और दिमाग में असंतोष पैदा किया, डिससैटिस्फैक्शन को जन्म दिया, और वो डिससैटिस्फैक्शन, वो असंतोष धीरे धीरे चल करके 1950 और 1960 के दशक में तनाव का कारण बन गया। इन दो गुटों के बीच में तनाव का कारण बन गया, फ्रेंच भाषी और डच भाषी दोनों गुटों के बीच में तनाव का कारण बन गया। अब डच भाषी के दिल और दिमाग में यह बात उठने लगी कि हम भी इंसान हैं, फ्रेंच भाषी भी इंसान हैं, हम भी इस देश के निवासी हैं, फ्रेंच भाषी भी इसी देश के निवासी हैं, हम भी राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वो भी राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, हम भी वोटिंग करते हैं, वो भी वोटिंग करते हैं, सरकार हम मिलकर बनाते हैं, लेकिन फिर भी हर बार सरकार में बहुमत इन फ्रेंच भाषी लोगों की ही रहती है। यानी कि सरकार तो बनती है तो फ्रेंच भाषी लोगों की बनती है, और हम डच भाषी लोगों की सरकार तो बनती नहीं, हमेशा हमको विपक्ष में ही रहना पड़ता है। और जब हमारी सरकार ही नहीं बनती तो हमें कोई अधिकार नहीं मिलता है, हमारे समूह के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके वेल्थ के लिए, उनके जॉब के लिए, या किसी भी अदर सेंस के लिए तो कोई फ्रूटफुल वर्क ही नहीं होता। हमको हर जगह नज़रअंदाज कर दिया जाता है, ऐसे मानो जैसे कि दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है, वैसे हर योजनाओं में से ये हमको निकाल करके फेंक देते हैं। और हमारा जो समुदाय है, यानी कि जो डच भाषी लोग हैं, वो दिन प्रतिदिन और पिछड़ते जा रहे हो, पिछड़ते जा रहे हो, और पिछड़ते और पिछड़ते जा रहे हैं, और गरीब और गरीब और गरीब और कमजोर होते चले जा रहे हैं, और उनकी हालत खस्ता होती चली जा रही है, बदहाली आती चली जा रही है, उनका जीवन और बद से बदतर होता चला जा रहा है। ये हमारे साथ इतना नाइंसाफी क्यों, हमारे साथ इतना अन्याय क्यों, ये उनके दिल और दिमाग में बात उठी। और जब उन्होंने इन बातों को खोजना शुरू किया, सरकार के सामने अपनी बातों को रखना शुरू किया, अपने पक्ष को मजबूत करना शुरू किया, तब फ्रेंच भाषी लोग आ गए कि इनके दिमाग में ये बात क्यों उठ रही है। उन्होंने कमजोरियों पर नहीं ध्यान देकर इस बात पर ध्यान दें कि डच भाषी लोग खोज क्यों रहे हैं, न्याय की मांग क्यों कर रहे हैं, इंसाफ की मांग क्यों कर रहे हैं, इस तरह से सवाल ये पैदा क्यों कर रहे हैं, और ऐसी बात उनकी तरफ से होने लगी। जाहिर सी बात है कि दोनों ही समुदायों के बीच, डच भाषी और फ्रेंच भाषी लोगों के बीच तनाव तो बढ़ेगा, और तनाव बढ़ा, और वो तनाव धीरे धीरे गृह युद्ध का रूप ले लिया, और पूरा का पूरा बेल्जियम गृह युद्ध में जलने लगा। लेकिन थैंक्स टू गॉड कि बेल्जियम वासियों को अकल आई, गॉड ने उनको समझदारी दी, और उन लोगों ने समझदारी दिखाते हुए अपने सिस्टम में सुधार किया, अपनी कमियों को सुधार किया, और बेल्जियम को दो टुकड़ों में बंटने से रोक लिया। अगर ये गृह युद्ध लंबा चलता तो जाहिर सी बात है
कि बेल्जियम दो टुकड़ों में टूटता, एक टुकड़ा होता फ्रेंच भाषी लोगों का और दूसरा टुकड़ा होता डच भाषी लोगों का। पहले से इतना छोटा सा देश कि जो हमारे एक राज्य हरियाणा से भी छोटा हो वह भी दो दो टुकड़ों में बंट जाता तो उसका हर एक टुकड़ा और कितना छोटा हो जाता, शायद वो हमारे किस देश के किसी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के बराबर भी ना होता, उसका एक टुकड़ा इतना छोटा हो जाता। और फिर उसका नाजायज फायदा यूरोप की अन्य शक्तियां कर सकती थी, अन्य शक्तिशाली देश उसका नाजायज फायदा उठा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बेल्जियम के लोगों ने पूरी की पूरी समझदारी दिखाई। और सन 1970 से लेकर के 1993 तक बेल्जियम के लोगों ने अपने देश के संविधान में 4 संशोधन किए। कितने संशोधन? 4 संशोधन बेल्जियम के लोगों ने अपने संविधान में किए और अपने संविधान को एक नया रूप दिया। उस नए संविधान ने क्या कुछ देश में बदल के रख दिया, वो ये है कि वहां पर 4 तरह की सरकारों का प्रावधान कर दिया नए संविधान में। पहले तरह की सरकार को बोलते केंद्र सरकार। इस केंद्र सरकार में जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुन करके आएंगे वो भी, और जब मंत्री परिषद का गठन होगा कैबिनेट का तो उस कैबिनेट में भी 50% लोग फ्रेंच भाषी होंगे और 50% लोग डच भाषी होंगे। यानी कि पूरे पार्लियामेंट में, संसद में केंद्र सरकार के लिए जो भी रिप्रेजेंटेटिव चिन्ह कर आएंगे जितने भी, उनमें से आधे तो होंगे फ्रेंच भाषी और आधे होंगे डच भाषी। और जब मंत्रिमंडल का गठन होगा, कैबिनेट का गठन किया जाएगा, तो उसमें जितने भी कुल मंत्री बनाए जाएंगे उनमें से आधे मंत्री फ्रेंच भाषी होंगे और आधे मंत्री डच भाषी होंगे। यहाँ पर इस इक्वालिटी को, समानता को लाया गया केंद्र सरकार में। और केंद्र सरकार को जो अधिकार दिए गए वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अधिकार दिए गए, यानी कि राष्ट्रीय स्तर के पूरे बेल्जियम के लेवल के जितने भी मुद्दे हैं उन सभी से संबंधित निर्णय लेने और अपनी शासन प्रक्रिया चलाने, और जो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध है दुनिया के अन्य देशों के साथ जो संबंध और उससे रिलेटेड जो भी नियम कानून बनाने या काम करने, उनसे संबंधित सारे के सारे अधिकार केंद्र सरकार को दिए गए। इसमें कोई भी अन्य तरह की सरकार अपना टांग अड़ाई नहीं करेगी, कोई दखलंदाजी नहीं करेगी। उसी तरह से राज्यों के लिए राज्य सरकारें बनाई गई, ये राज्य सरकारें भी पूरी तरह से स्वतंत्र बनाई गई, यानी कि ये राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं होंगे। राज्य सरकारें केंद्र सरकारों के अधीन नहीं होंगे। राज्य सरकार को अपने अधिकार दिए गए कि अपने राज्य स्तर पर, अपने क्षेत्रीय स्तर के जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी विषय हैं, उन सबसे संबंधित हर तरह के फैसले लेने, कानून बनाने, काम करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकारों के पास होगा। उसमें केंद्र सरकार या कोई अन्य सरकार तनिक भी टांगड़ाई नहीं करेगी, तनिक भी दखलंदाजी नहीं करेगी। और इन राज्य सरकारों में भी जो भी वहाँ के विधानसभाओं में, विधानमंडलों में जो भी प्रतिनिधि चुन करके आएंगे उनमें से आधे यानी कि 50% लोग फ्रेंच भाषी होंगे और आधे यानी कि 50% लोग डच भाषी होंगे। और उन राज्य सरकारों में भी जब मंत्रालय बनाए जाएंगे, मंत्रिपरिषद का गठन होगा, कैबिनेट का गठन होगा, तो उस मंत्रिपरिषद में आधे मंत्री फ्रेंच भाषी होंगे और आधे मंत्री डच भाषी होंगे। उसके बाद यहाँ भी समानता की बात करी गई राज्य सरकारों में भी, तो वहाँ पर कितने राज्य सरकारें बनेंगी? दो ही तो बनेंगी ना, दो ही राज्य थे ना, फ्लेमिश रीजन और वेलोनिया रीजन। यानी कि फ्लेमिश रीजन के लिए एक अलग सरकार, राज्य सरकार, और वेलोनिया रीजन के लिए एक अलग राज्य सरकार। उसके बाद राजधानी ब्रुसेल्स के लिए एक तीसरी तरह की अलग सरकार बनाई गई, राजधानी सरकार। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के लिए बनाई गई। और यहाँ भी ब्रुसेल्स में भी यही देखा गया कि जितने भी प्रतिनिधि वहाँ चुन करके आएंगे
उनमें से 50% फ्रेंच भाषी होंगे और 50% डच भाषी होंगे। और जब मंत्रिपरिषद का गठन होगा तब भी कुल मंत्रियों की आधी संख्या फ्रेंच भाषी लोगों की होगी और आधी संख्या डच भाषी लोगों की होगी। यानी कि यहाँ भी पूर्णतः समानता की बात राजधानी में भी की गई। यहाँ के सरकार को जो अधिकार दिए गए वो सिर्फ और सिर्फ अपने राजधानी से संबंधित जितने भी मुद्दे विषय हो सकते हैं उसी से संबंधित अधिकार दिए गए। उन्हीं विषयों उन्हीं मुद्दों से संबंधित वे फैसले ले सकते हैं, कानून बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। बाकी अन्य सरकारें इनके साथ कोई दखलंदाजी नहीं करेगी, कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। यानी कि कोई भी सरकार एक दूसरे के काम में कोई टंगड़ाई, कोई दखलंदाजी, इंटरफेरेंस नहीं करेगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राजधानी सरकार, सामुदायिक सरकार में नहीं करेगी। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राजधानी सरकार, सामुदायिक सरकार में नहीं करेगी। राजधानी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सामुदायिक सरकार में नहीं करेगी। और उसी तरह सामुदायिक सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राजधानी सरकार में कोई दखलंदाजी नहीं करेगी। सब अपना अपना स्वतंत्र रूप से अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करेंगे, ऐसी व्यवस्था की गई। तो चौथी तरह की जो सरकार का गठन किया गया वो सरकार थी सामुदायिक सरकारें, यानी कि हर समुदाय के लिए एक अलग सरकार। तीन तरह के समुदाय वहां पर रह रहे थे, एक फ्रेंच भाषी समुदाय, दूसरे डच भाषी समुदाय और तीसरे जर्मन भाषी समुदाय। इन तीनों ही भाषी समुदायों के लिए अलग अलग सामुदायिक सरकारें होंगी। एक सरकार होगी फ्रेंच भाषी सरकार जिसमें 100% सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले लोग ही होंगे। दूसरे डच भाषी सरकार उसमें 100% सिर्फ और सिर्फ डच भाषी लोग ही होंगे। और तीसरी सरकार जर्मन भाषी सरकार उसमें 100% जर्मन भाषा बोलने वाले लोग ही होंगे। जब इन सरकारों के लिए चुनाव होगा तो फ्रेंच भाषी सरकार के लिए फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग पूरे बेल्जियम के चाहे किसी भी इलाके में क्यों नहीं रहते हों वही लोग इसमें वोट डालेंगे और उनके ही पर मतलब उनमें से ही लोग राजनीतिक पार्टियां बना करके चुनाव लड़ेंगे और वोट भी यही लोग केवल डालेंगे और जीतेंगे भी जाहिर सी बात इनमें से ही लोग। ठीक उसी तरह डच भाषी सरकार के लिए बेल्जियम के किसी भी कोने में रहने वाले जो भी डच भाषी लोग हैं वे लोग इस सरकार में भागीदारी करेंगे चुनाव लड़ने के लिए भी और चुनाव में वोट डालने के लिए भी। उसी तरह जर्मन भाषी सरकार के लिए पूरे देश में कहीं भी जर्मन भाषा बोलने वाले लोग हैं वो वहीं से अपनी सरकार के लिए वोटिंग करेंगे, चुनाव भी वही लड़ेंगे, वोट भी वही डालेंगे, सब कुछ वही करेंगे। तो तीन सरकार ये हो गई, फ्रेंच भाषी लोगों के लिए एक अलग फ्रेंच भाषी सरकार, डच भाषी लोगों के लिए अलग डच भाषी सरकार और जर्मन भाषी लोगों के लिए एक अलग जर्मन भाषी सरकार। यानी कि तीन ये तो सामुदायिक सरकारें हो गई, एक राजधानी सरकार हो गई, दो राज्य सरकारें हो गई, फ्लेमिश सरकार और वेलोनिया की सरकार, और एक केंद्र सरकार हो गई। तीन और एक चार और दो छः, एक सात, एक देश के अंदर सात सरकारें हो गई, 7 गवर्नमेंट्स। सामुदायिक सरकार को जो अधिकार दिए गए उनका अधिकार क्षेत्र में आया संस्कृति, शिक्षा और भाषा। बस ये सामुदायिक सरकारें सिर्फ इन तीन मुद्दों, तीन विषयों से संबंधित फैसले ही ले सकती हैं, तीन विषयों से संबंधित ही कानून बना सकती हैं और इन तीन क्षेत्रों में ही वो अपना जो भी काम करना है कर सकती हैं, संस्कृति, शिक्षा और भाषा। बाकी इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती हैं। तो ऐसा देख के लगा कि बेल्जियम की जो सरकारी तंत्र बनाया गया, संविधान ने जो व्यवस्था की वो बड़ा ही पेचीदा है, बहुत ही जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है। यह बात बिल्कुल सच है। जैसे हमारे पढ़ने और पढ़ाने के लिए पेचीदा है उसी तरह बेल्जियम के लोगों के लिए भी पेचीदा है, जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। दुनिया के हर देश के लोगों के लिए यह देखने में बड़ा पेचीदा, बड़ा जटिल और बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। लेकिन इतने पेचीदापन, इतने कॉम्प्लेक्सिटी होने के बावजूद भी, इतना जटिलापन होने के बावजूद भी इसी तरह का फॉर्मेट बेल्जियम के लोगों को पसंद है। और बेल्जियम गृह युद्ध से बाहर निकल गया, हर तरह के तनाव से बाहर निकल गया और बेल्जियम दो टुकड़ों में बंटने से बच गया। आज वो एक स्वतंत्र और यूनाइटेड कंट्री है, एक राष्ट्र है।
बिना किसी बंटवारे के। तो ये समझदारी बेल्जियम के लोगों ने दिखाई, ये बहुत अच्छा काम किया। यानी कि गृह युद्ध, ये तनाव कैसे खत्म हुआ? वैसे खत्म हुआ जब देश के सभी तबके को सत्ता में साझेदारी मिल गई, पावर शेयरिंग मिल गया, सत्ता में सबका हिस्सा हो गया। डच भाषी लोगों का भी हिस्सा हो गया, फ्रेंच भाषी लोगों का भी हिस्सा हो गया और जर्मन भाषी लोगों का भी हिस्सा हो गया, सबका हिस्सा हो गया। केंद्र सरकार में भी सबको बराबरी का हिस्सा मिला हुआ है, राज्य सरकारों में भी सबको बराबरी का हिस्सा मिला है, राजधानी सरकार में भी सबको बराबरी का हिस्सा मिला है, तो सामुदायिक सरकार में भी तो बराबरी का हिस्सा मिला है, हर तरह की सरकार में उनको बराबरी का हिस्सा मिला है। और यह भी वहां का संविधान कहता है कि जो भी फैसले आएंगे उसमें बहुमत दोनों समुदाय के लोगों का होना चाहिए। यानी कि जैसे केंद्र सरकार किसी मुद्दे पर कानून बना रही है तो जाहिर सी बात है कानून बनाने के लिए बहुमत तो चाहिए। कैसे बहुमत चाहिए? बहुमत फ्रेंच भाषी लोगों की तरफ से भी चाहिए, बहुमत डच भाषी लोगों की तरफ से भी चाहिए, तभी वो कानून बनेगा, वो काम होगा। अदरवाइज ना वो कानून बन सकता है, ना वो काम हो सकता है, ना उस तरह के कोई फैसले लिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रेंच भाषी ने उस किसी मुद्दे पर अपना बहुमत दे दिया, डच भाषी लोगों ने नहीं दिया तो कानून बन जाएगा, हो जाएगा? नहीं, डच भाषी लोगों ने बहुमत दे दिया, फ्रेंच भाषी लोगों ने नहीं दिया तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। काम तभी होगा, नियम कानून तभी बनेंगे, अंतिम फैसले तभी लिए जाएंगे जब दोनों ही भाषी के लोगों के द्वारा बहुमत प्रदान किया जाएगा। तो यही है सत्ता में साझेदारी, और जब सत्ता में साझेदारी मिलती है, पावर शेयरिंग मिलती है, तो एक कंट्री एज ए नेशन बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत तेजी से तरक्की करता है, विकास करता है हर क्षेत्र में, हर मामले में। और इसका सबूत यहां देखने के लिए मिलता है कि जब यूरोपीय महादेश के देशों ने मिलकर के अपना एक संघ बनाया, यूरोपीय संघ, तो यूरोप के सभी देशों ने जो ये संघ बनाया, यूरोपीय संघ, उन्होंने अपने इस यूरोपीय संघ का मुख्यालय, हेडक्वार्टर, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में बनाया। यानी कि उनको सबसे सुरक्षित जगह और हर मायने में सबसे अच्छी जगह ब्रुसेल्स ही लगी, तभी तो उन्होंने ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर बनाया। अब हम लोग आज की क्लास यहीं टर्मिनेट करेंगे, कल हम लोग अगली क्लास में जब मिलेंगे इस पाठ को आगे कैरी करेंगे और सत्ता के साझेदारी का एक और नमूना देखेंगे श्रीलंका में, अपने पड़ोसी देश श्रीलंका में, और यह तय करेंगे कि क्या श्रीलंका के लोगों ने बेल्जियम के लोगों की तरह समझदारी दिखाई या बेवकूफी। थैंक यू।